अभी अब ऑफिस से आया हूँ और मैंने आते ही ना इन सब को खोल दिया, तो अभी घूमें फिरें, इंजॉय करें। ये अंडों पे बैठा हुआ है अभी, माशाल्लाह दोबारा से अंडों पे बैठ गए अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी सिल्की हैन भी अंडे दे रही है, उसने 3 अंडे दे दिए हैं 5 दिनों में। आज नागा कर गई है, पहले भी 1 दिन नागा किया है। और बटेरे भी लगे हुए हैं खाना खाने के लिए। और पीछे वाली अवाम बहुत तरफ रही है, मैं उनको बाहर नहीं निकाला, उनको ये कि मुझे भी बाहर निकालें, तो अभी मैंने इनको नहीं निकाला ताकि अभी ये इंजॉय कर लें। माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है मेरी सिल्की हैंस। माशाल्लाह के कबूतर बड़े प्यारे लग रहे हैं। चलें जी इंजॉय करें और हम बाकी खाने छाने की तैयारियां करते हैं। माशाल्लाह कितना प्यारा डव का बच्चा है, ये हमारे ऑफिस में डव ने दिया हुआ है। एक बच्चा ऊपर से गिर के मर गया है और एक ही है, इसको भी बेचारे को सर्दी लग रही है, तो बड़ा क्यूट सा है। मुझे लगता है मुझे अपने सेटअप पे लेके जाना पड़ेगा। ये लें जी, बड़े आराम से रखें अमर साहब, बाद में इसका कुछ करेंगे हम आराम से। ये अभी मदर फीड पे है इसलिए इसको मैंने नहीं लिया, मेरे लिए इशू हो जाना था इसको फीड वगैरह करवाना। या मैं मार्केट गया हुआ था तो मैं अपने बर्ड्स के लिए घोंसला लेके आया हूँ, तिनके वगैरह लेके आया हूँ। तो बड़ी मज़े की बात है, इसमें ना बटेरा आके बैठ गया था बड़ा घोंसला समझ के। तो अभी मैं देखता हूँ इसको ना, क्योंकि माशाल्लाह मेरे इस जोड़ ने भी अंडा दे दिया दोबारा से। पहले आपको पता है कि मेरे ना दोनों जोड़ों ने, कासद ने भी और इन्होंने भी एग्स दिए थे और आई थिंक इनफर्टाइल थे, वो नहीं हुए, तो पूरे एक माह बाद 21 दिनों बाद फेंकने पड़े, तो वो ख़राब हो गए हुए थे। और इसने बजीज का भी यही सीन था, बजीज का भी, बजीज को अभी मैंने मटका नहीं लगा के दिया, इनको भी मैं लगा के दूंगा। तो अभी इनके लिए लेके आया मैं तिनका वगैरह पराली, तो ये खुद ही सेट कर लेंगे अपने अपने घोंसलों में। और ये जोड़ा जो है ना, ये अभी एग नहीं लेकर आ रहा, तो और ना ही अभी उन्होंने मुर्गियों ने दिया है, यहाँ पता उसने अभी कोई अंडे वगैरह नहीं दिए। सिल्की है ना हमारी, डेली दे रही है, एक दिन छोड़ के एक दिन एग। आप बताएं सिल्की कब कुड़क होगी, ये कुड़क हो तो फिर इसके अंदर भी मैं इसके नीचे भी ना अंडे रखूँ, इसके कोई 5 अंडे हमने इकट्ठे कर लिए हुए हैं सिल्की के, तो वो फिर इसके नीचे रखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये भी मैं अभी ना प्रोसेस करता हूँ, इनके ना सारा तिनके वगैरह रखता हूँ खोल के। अब ये देखें सिल्की क्या करने लगी हुई है, समझिए वो, समझिए खाने वाली चीज़ है, उसको ठूँगे मार रही है खाने के लिए, डटोल रही है। माशाल्लाह बड़ी गुगली बुगली लगती है मुझे ये। डक्स डक्स बहुत शोर डालती हैं यार। डर गए। चले मैं इनका ना ये प्रोसेस पूरा करूँ जरा। दोस्तों ये मैं पराली खोल रहा था, पराली के अंदर पता नहीं कितने मज़े के हैं। यार ये खरबूजा है, मुझे लग रहा है एक और भी है वो ये अंदर। यार पराली ओपन किया, उसके अंदर से निकले हैं छोटे छोटे से खरबूजे, बड़े प्यारे से। और भी मैं भी इसके अंदर हूँ, इसको ओपन करते हैं। लेकिन ये देखो मज़े की चीज़, ये देखो पराली ओपन किया, उसके अंदर से खरबूजा है, पता नहीं क्या है ये यार। एक ये है, एक ये इसके अंदर, ये बीच में। अब मैं खोलते हुए डर गया, मैं पता नहीं कौन सी चीज़ है अंदर, सांप वगैरह तो नहीं है, क्योंकि डर ही लगता है ऐसी चीज़ों में ना, होते भी हैं। तो इसको सारा ओपन करते हैं। ओके कितने मज़े के निकले हैं यार, तो छोटे छोटे खरबूजे लग रहे हैं मुझे शायद थोड़े से। चल इसको ना क्या करें, पराली को यहाँ अंडा उठा के बेगम इस तरह तो अंडे के नीचे ही रख देता हूँ खुद ही, तो देखते हैं क्या रिएक्शन करते हैं, वो पसंद करते हैं कि इस चीज़ को, या खुद ही बैठा करेंगे। ये सात वाली पराली है,
उम्मीद है कि ये डरेगा नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं कहते। नीचे वाला जोड़ा तो बड़ा जालिम है, वो तो मेरे हाथों पे ना पर मारते हैं जोर जोर से अगर मैं एक के पास चला भी जाऊँ। भैया मुझे कुछ नहीं कहते, अभी ये बैठ जाए, मुझे फिक्र लगी हुई है कि दोनों डर के बैठे ना, मैं बैठाने की कोशिश करता हूँ। ये क्यों पर ये क्यों डर के बैठा हुआ है ये बाइट वाला? ये डर था, ये डरने वालों में से बाइट वालों के अंदर भी डालते हैं ताकि ये भी नेस्टिंग करें, इनके दिल में भी शोक पैदा हो। तो ये लो आलो भी एडजस्ट कर लें, ऊपर उनको नहीं देना है बजिस को। अभी आप खड़े हैं ना इस वजह से शायद। बाकी मैं इनके मुर्गी के अंदर आ दूँ? हाँ रख दें, बोल रहे थे शायद वो बैठ जाए। ज़्यादा ना रखें, आधे वो बड़े केज में डाल देना, वो खा जाती हैं। इसके काम देखें, मैंने हैंस के लिए डाला है और जनाब इधर आगे बैठ गए थोड़ी दौर में केज में भी डाल दूँ। ठीक है, इनके केज में भी थोड़ा सा डाल दूँ। वो देखिए सिल्की जो देख रहे हैं कि हमारे घर में कौन गुस्सा है, आगे आगे ऊपर देखा जा रहा है जी। मटको किधर जा रही हो? ये देखें तिनके पकड़ने लग गए, वो भी तिनके पकड़ने लग गए। इनको बड़ी सेंस अल्लाह ताला ने दी हुई है, यहूदी भी तिनकों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। ये देखें जी, ये तिनकों के साथ लगे शुरू हो गए हैं, अब ये नेस्टिंग करेंगे। इन्होंने तिनके पकड़ने शुरू कर दिए हैं, अब ये अपनी नेस्टिंग बनाएंगे सारी। और ये भी लगे हुए थे, हाँ ये भी शुरू हो जाएंगे। अब मुझे इसकी फिक्र है ये बैठ जाए सही एग के ऊपर,
चलें देखते हैं, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ इंशाल्लाह। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा आज का। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को मस्ट क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का लिंक आप तक पहुँच जाए और आपको अच्छी सी वीडियो देखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।